पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इसमें खरीदने के लिए लुटेरे बन गए दरोगा और ऑटो चालक के बेटे। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि आरोपियों ने इसमें खरीदने के लिए होटल में बैठकर लूटपाट की साजिश रची थी। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में 19 अप्रैल की सुबह महिला से कुंडल लूट और पागबड़ा में बाइक लूटने के विरोध में पंप ऑपरेटर को गोली मारने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बुधवार शाम मुठभेड़ में पकड़े गए भोजपुर के गौहरपुर गांव निवासी बदमाश विकुल के दो साथी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। इसमें एक आरोपी अमन चौधरी सिविल लाइन्स के अवंतिका कॉलोनी का निवासी है, जबकि दूसरा आरोपी अमन ठाकुर सिविल लाइन्स की आशियाना कॉलोनी में रहता है। अमन चौधरी के पिता जितेंद्र कुमार यूपी पुलिस में दरोगा है। वर्तमान में उनकी तैनाती बरेली कोतवाली में बताई जा रही है, जबकि अमन ठाकुर के पिता ऑटो चालक हैं। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये दिनांक 19/4/22 को थाना पागबड़ा क्षेत्र में एक घटना हुई थी। सुबह एक सुगर मिल कर्मचारी अपनी ड्यूटी से लौट रहा था, तो दो बाइक सवार बदमाश उन्होंने उसको पीछे से रोकने का प्रयास किया। जब वो नहीं रुका तो उन्होंने उसके ऊपर एक फायर किया जो उसके पैर में लगा था। इंजर्ड को उस समय हम लोगों ने अस्पताल भिजवाया था, वो स्वस्थ है। और ये एक उसकी मोटरसाइकिल को छीनने का प्रयास था जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद वहीं से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य घटना इन्हीं लोगों द्वारा कारित की गई थी। वो थाना मझोला क्षेत्र में चौकी खडाना क्षेत्र था जिसमें घटना हुई। एक उन्होंने एक महिला जो वहाँ सुबह जा रही थी उसको रोका और उससे उसके दो क्विंटल उसके लूट लिए। इस घटना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। थाना पागवाड़ा और थाना मझोला की टीम और हमारी SOG की टीम ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और जल्द ही इस संबंध में इन्होंने कार्रवाई की। और इसमें दो लड़के, एक अमन चौधरी और अमन ठाकुर, ये दोनों सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि घटना इनके द्वारा की गई है। ये तीन साथी थे जो उस घटना की शाम को यहाँ एक होटल में रुके थे, वहीं इन लोगों ने प्लान किया और अर्ली सुबह जाके इन्होंने इन दोनों ही घटनाओं को अंजाम दिया। इसमें इनका जो तीसरा साथी था जिसको बाद में दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है और जिस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था, वो विकुल पुत्र ऋषिराज ग्राम गोहरपुर थाना भोजपुर का रहने वाला है। तो ये तीनों के द्वारा ये घटना की गई थी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, दो तमंचे और महिला के कुंडल ये बरामद हुए हैं और एक अच्छी सफलता थाना मझोला पुलिस को मिली है। और इसमें मैं सबको इनको बधाई देता हूँ और हमारी SOG टीम थाना पागवाड़ा और ये सभी लोगों ने सम्मिलित प्रयास से एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इन पर 25,000 रुपये का इनाम था, तो इस टीम को पुरस्कार की राशि दी जाएगी। कोई अपराधी इतिहास है? अभी हम लोग इसकी जानकारी कर रहे हैं, ये नए लड़के हैं, इनका पहले का क्या इतिहास है, इन्होंने अन्य कहां कहां घटनाएं की हैं, इसके बारे में अभी विस्तृत पूछताछ इनसे की जाएगी। ये दो लड़के हैं, ये एक लड़का इसमें से जो अमन चौधरी है ये कोचिंग कर रहा है और इस बाकी हम लोग और भी अभी जानकारी जुटा रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।